बहजोई में दो सपा नेताओं को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील में सभी लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अपील की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो देश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं। बीते दिन विकासखंड बहजोई जनपद संभल के गांव शमसोई में प्रधान पति एवं प्रधान पुत्र को गांव में कराए जा रहे मनरेगा कार्यस्थल पर जाकर ही गांव के ही दबंग लोगों द्वारा पहले कार्य का विरोध किया गया व प्रधान द्वारा कार्य को नहीं रुकवाने पर उन्हें मौके पर ही खुलेआम घर से राइफल लाकर मनरेगा मजदूरों के सामने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से पूरे प्रदेश के प्रधानों में दहशत का माहौल छाया हुआ है। इस तरह की भयावह घटना नहीं है, इससे पूर्व में भी जगह जगह प्रधान पर हमले होते रहे हैं। प्रधानों द्वारा शासन प्रशासन को लिखित मौखिक शिकायत करने पर भी मनरेगा योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों का विरोध करने वाले लोगों के विरोध कोई कठोर कार्यवाही नहीं किए जाने पर उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के विरुद्ध शासन प्रशासन द्वारा कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो भविष्य में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। प्रधानों व रोजगार सेवकों द्वारा कराए जाने वाले कार्य का विरोध करने पर मौखिक लिखित सूचना पर प्रशासन द्वारा तुरंत कार्यवाही अमल में लाई जाए, जिससे भविष्य में शासन प्रशासन हमारी सूचना पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो मनरेगा कार्यों का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। प्रधान संगठनों में मांग करते हुए कहा कि हम सभी प्रधान शमसोई प्रकरण में दोषियों के खिलाफ NSA के तहत कार्यवाही होनी चाहिए और प्रधान परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में रणवीर सिंह प्रधान, प्रधान पति डॉक्टर अनीस अहमद, मुकेश कुमार, भ्रम सिंह, विजेंद्र सिंह, अनुराग, अजयपाल सिंह, राजकुमार सिंह आदि ग्राम प्रधान मौजूद रहे। ये बहजोई ब्लॉक के क्षेत्र में एक प्रधान के साथ जो कल हत्या, प्रधान पति और उनके बेटे को गोली से जो मारा है, आज बिलारी ब्लॉक के प्रधानों ने ज्ञापन दिया है कि ऐसी घटना इससे पहले भी हुई है, शासन प्रशासन इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करता। इस बार मांग की है अगर प्रशासन शासन इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करेगा तो मनरेगा का हम प्रधान और रोजगार सेवक मिलकर बहिष्कार करेंगे। अरे क्या मांग करते हैं सरकार से? एक तो उस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग करते हैं और मनरेगा में जो काम शुरू होंगे उसमें पुलिस की व्यवस्था प्रधानों को रोजगार सेवकों को दी जाए ताकि आगे ऐसी कोई घटना न घट सके।